वेलकम टू ग्रीन वैली डिजिटल क्लासेस। आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ द गॉसेस लॉ। ये 12th क्लास में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हैं उसमें ये काफ़ी अहम टॉपिक माना जाता है। जो ये गॉसेस लॉ हैं, आफ्टर फिनिशिंग दिस टॉपिक उसके बाद इसके एप्लीकेशंस आते हैं, एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। तो जिससे हमें मेथड मिलेगा, जो गॉसेस लॉ हमें मेथड देगा हाउ टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इन केस ऑफ डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बिकॉज ऑफ दिस लॉ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रॉब्लम्स हैं जिनमें सिमिट्री हैं तो वो बहुत हद तक सिंप्लीफाई हो गई इस जब हम इस गॉसेस लॉ को अप्लाई करते हैं। तो आज हमारा यही टॉपिक रहेगा, गॉसेस लॉ। देखो जो ये गॉसेस लॉ है इट डील्स विद इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस और नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग थ्रू द एरिया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस और लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग थ्रू द एरिया। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव एरिया दिस, इसको हम फील्ड में रखेंगे। अब ये जो फील्ड लाइंस हैं या लाइंस ऑफ फोर्स दे क्रॉस दिस एरिया, तो वी से फ्लक्स इज लिंक्ड विद द सरफेस। जो ये हमारा एरिया है इट हैज़ गॉट सरफेस, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस द सरफेस। वी से इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज लिंक्ड विद दिस सरफेस व्हेन इट इज़ प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। When field lines cross a surface, when it is placed in the field, we say flux is linked. अब देखो जब हम गॉस लॉ की बात करते हैं, ये फ्लक्स का वैल्यू कब आपको मिलेगा, फ्लक्स का नेट में कब आपको वैल्यू मिलेगा, वो डिपेंड करता है इफ़ वी हैव अ क्लोज्ड सरफेस। इसके अंदर हमने एक चार्ज क्यू रखा, वी हैव अ क्लोज्ड सरफेस, एक क्लोज्ड सरफेस हैं, इसके अंदर हमने चार्ज क्यों रखा। अब जो चार्ज होता है इसके साथ फील्ड होता है एसोसिएटेड, इलेक्ट्रिक फील्ड। वी हैव टू टाइप्स ऑफ चार्ज, एक होता है प्लस दूसरा होता है माइनस। जो प्लस चार्ज होता है इसका जो फील्ड है मतलब ये बाहर की तरफ होता है, जैसे इस तरह हम दिखाते हैं जब हम इन लाइन्स को रिप्रेजेंट करते हैं, दे आर शोन आउटवर्ड्स रेडिएटिंग फ्रॉम दिस चार्ज। ये फील्ड लाइंस हैं, जो हमारा प्लस चार्ज हैं इसके साथ जो फील्ड होता है वो इस प्लस चार्ज से बाहर आता है, यानी कि रेडियली आउटवर्ड्स। इसी तरह से अगर हमारा माइनस चार्ज है वहाँ पर फील्ड लाइंस कन्वर्ज होते हैं। तो कहने का मतलब है यहाँ पर जब चार्ज होता है इसके साथ फील्ड एसोसिएट होता है, दैट फील्ड इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड वेदर इट इज़ प्लस और माइनस। अब हमने एक चार्ज लिया, वही हम चार्ज क्यू, अब इसके साथ फील्ड होगा, फील्ड लाइंस वहाँ से स्टार्ट होंगे, वो इस क्लोज्ड सरफेस के बीच में जाएंगे, जैसे इस तरह से ये लाइंस इस क्लोज्ड सरफेस के बीच में जाएंगे। अब यहाँ पर मैंने कुछ लाइंस दिखाए जो इसके बीच में निकल रहे हैं। अगर हम इन लाइंस को देखेंगे, दे क्रॉस दिस क्लोज्ड सरफेस वंस, एक मरतबा ये इस क्लोज्ड सरफेस को क्रॉस कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज देयर। तो गॉस कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू गॉस, जो ये क्लोज्ड सरफेस हैं इसके साथ जो फ्लक्स लिंक्ड होगा, कितने लाइंस इसके बाहर जाएंगे वो डिपेंड करता है इसके अंदर कितना चार्ज है, इसके अंदर कितना नेट चार्ज है। हमने यहाँ पर चार्ज क्यों रखा, अब इस क्यू से फील्ड लाइंस बाहर जाएंगे, अब कितने लाइंस बाहर जाएंगे वो डिपेंड करेगा इस क्यू पे। फ्लक्स क्रॉसिंग थ्रू द क्लोज्ड सरफेस डिपेंड्स ऑन दिस क्यू। और ये जो चार्ज है ये इनसाइड चार्ज हम लेते हैं, व्हेन वी मतलब जब हम गॉस लॉ को डिस्क्राइब करते हैं या गॉस लॉ को पढ़ते हैं उस वक्त हम लेते हैं चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस। वी हैव चार्ज क्यू एनक्लोज्ड बाय दिस सरफेस। अब जो फील्ड लाइंस इसके हैं दे गो आउटवर्ड्स, दे क्रॉस दिस क्लोज्ड सरफेस। और जो गॉस हैं वो कह रहा है जो इस क्लोज्ड सरफेस के साथ जो फ्लक्स लिंक्ड है इसका वैल्यू इसके बराबर होता है, फाई ई, मैं यहाँ पर लिखूँगा फाई ई, ये सबस्क्रिप्ट है, मैंने इसको ये ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये बराबर होता है
वन बाई, ये बराबर होता है वन बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू वन बाय एप्सिलॉन टाइम्स इंटू क्यू। क्यू है चार्ज एनक्लोज्ड बाय दिस सरफेस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू वन बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम, एप्सिलॉन टाइम्स वन बाय एप्सिलॉन टाइम्स इंटू क्यू। क्यू इज द चार्ज इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस। अब ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये कॉन्स्टेंट है, इसका जो वैल्यू हम लेते हैं, इसका वैल्यू हम लेते हैं 8.85 इंटू 10^-12। ये एप्सिलॉन का वैल्यू है जो स्टार्ट होता है फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ। जब हम कूलम्ब्स लॉ लेते हैं उसमें जो के होता है उसका वैल्यू पुट करते हैं एसआई सिस्टम में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और वहाँ पर हम इसका वैल्यू जो हमने वर्कआउट किया है दैट्स 8.85 × 10^-12 एंड इट हैज़ ऑल्सो गॉट यूनिट कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यही कॉन्स्टेंट मैंने यहाँ पर लिखा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद क्लोज्ड सरफेस, लिंक्ड विद क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू वन बाय एप्सिलॉन टाइम्स चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस। तो इसके साथ जो फ्लक्स लिंक्ड हैं वो बराबर होते हैं वन बाय एप्सिलॉन टाइम्स क्यू। क्यू इज द चार्ज इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस। तो जब भी हम गॉस लॉ अप्लाई करते हैं हमें देखना होता है ये नेट में कितना चार्ज है, नेट में वी हैव चार्ज क्यू। देखो कभी अगर इस तरह हम ये लॉ देखेंगे, जैसे देखिए इफ़ यू टेक अ क्लोज्ड सरफेस, इस तरह यही क्लोज्ड सरफेस यू कैन टेक ऑफ एनी शेप। अगर इसमें हम दो चार्जेस लेंगे, एक है प्लस क्यू दूसरा है माइनस क्यू, तो वी कॉल दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल। वी हैव टू चार्जेस, वन इज प्लस क्यू एंड सेकेंड इज माइनस क्यू। अगर हमें इसमें देखेंगे कितना फ्लक्स लिंकड है वहाँ पर, देखो जो फील्ड लाइन्स हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ये प्लस से स्टार्ट होते हैं एंड दे एंड ऑन माइनस चार्ज। अगर हम फील्ड इस सिस्टम का देखेंगे जो डाइपोल है इसका फील्ड हम देखेंगे, ये प्लस से स्टार्ट होगा माइनस पे कन्वर्ज होता है, इस तरह ये लाइन सीधी गई। यहाँ से एक लाइन हम बाहर की तरफ लेंगे, ये इस तरह से लूप में यहाँ से वापस आएगी। एक लाइन यहाँ से हमने लिया, ये लाइन यहाँ से वापस आएगी, इसी तरह ये लाइन यहाँ से गई, ये लाइन यहाँ से वापस आ रही है। एक और लाइन हम यहाँ से लेंगे, ये यहाँ से वापस आएगी, एक और लाइन यहाँ से जाएगी जो यहाँ से वापस आएगी। नाउ लुक हियर, जो डाइपोल फील्ड होता है ये प्लस से स्टार्ट होता है और ये मूव कर ये जाता है टुवर्ड्स माइनस, यहाँ पर कन्वर्ज होता है, यानी कि ये एक्चुअली दोनों चार्जेस का फील्ड होता है। हम ये नहीं कह सकते ये प्लस चार्ज का फील्ड, एक्चुअली दोनों चार्ज का फील्ड होता है जो प्लस से स्टार्ट होता है और एंड माइनस पे होता है। यहाँ पर कुछ लाइंस मैंने दिखाए, ये जो हमारा डाइपोल है इट इज़ प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, इसको हमने सरफेस के अंदर रखा। अब हमें देखना है क्या इसके साथ कोई फ्लक्स लिंकड है। अब देखो लाइन्स बाहर जा रहे हैं, यहाँ पर फ्लक्स लिंकड हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर लाइन्स बाहर जा रहे हैं तो फ्लक्स इज लिंकड। जब फील लाइन्स बाहर जाते हैं उस वक्त हम कहते हैं देयर इज अ पॉजिटिव फ्लक्स, यहाँ पर है पॉजिटिव फ्लक्स क्योंकि लाइन्स बाहर जा रहे हैं। ये लाइन्स वापस इनवर्ड्स जा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हमने माइनस क्यू रखा है तो यहाँ पर नेगेटिव फ्लक्स हैं। तो जितना यहाँ पर प्लस फ्लक्स हैं, जितने लाइन्स यहाँ पर बाहर जा रहे हैं उतने लाइन्स यहाँ पर अंदर जा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं अगर एक है प्लस फ्लक्स प्लस पाई ई, एक दूसरी जगह है माइनस पाई ई, तो अगर हम नेट देखेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट आएगा जीरो। और अगर हम इसको गॉस लॉ अप्लाई करेंगे, देखो जब हम गॉस लॉ अप्लाई करते हैं एफ होता है फाई ई होता है बराबर वन बाई एप्सिलॉन इंटू क्यू। क्यू यहाँ पर है नेट चार्ज। अब जो क्लोजर सरफेस है इसके अंदर हमारा एक चार्ज है प्लस क्यू दूसरा है माइनस क्यू। अगर हम क्यू नेट देखेंगे इसमें क्यू नेट अब प्लस क्यू माइनस क्यू ये खत्म हो रहा है, रिजल्ट आएगा जीरो। तो फ्लक्स इज नॉट लिंकड। तो गॉस लॉ जब हम मतलब उसको डिस्क्राइब करते हैं हमें वो चार्ज लेना है जो इनसाइड होगा। अगर चार्ज डिफरेंट किस्म का होगा, साइंस में डिफरेंट होगा प्लस क्यू माइनस क्यू, तब इनका नेट हमें निकालना है। जैसे यहाँ पर है प्लस क्यू यहाँ पर माइनस क्यू, जब हमने इसका नेट निकाला क्यू नेट इट इज़ प्लस क्यू माइनस क्यू, रिजल्ट जीरो आ रहा है। देर जब आपका चार्ज क्यू नेट में जीरो है, ये टर्म यहाँ पर जीरो है, तो फाई ई का वैल्यू भी जीरो होगा। तो यहाँ पर नेट में देर इज़ नो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ क्लोज्ड सरफेस। तो यहाँ पर प्लस फ्लक्स है, यहाँ पर नेगेटिव फ्लक्स है, तो रिजल्ट आ रहा है देर इज़ अ नेट फ्लक्स, क्योंकि क्यू नेट हमारा जीरो है। कभी इस तरह कोई सिचुएशन होती है, जैसे लुक हियर, अगर हमारे पास
ये क्लोज्ड सरफेस है, इसके अंदर मैं कुछ चार्जेस रखूंगा प्लस टू क्यू माइनस क्यू, इसके बाहर भी मैंने कुछ चार्जेस रखे प्लस क्यू, एक और चार्ज मैंने यहाँ पर रखा। अगर हम इसमें देखेंगे क्या इसके साथ फ्लक्स लिंकड होगा, तो जब हम गॉस लॉ अप्लाई करते हैं हमें देखना है व्हाट इज़ इनसाइड चार्ज। यहाँ पर आपका प्लस टू क्यू है, यहाँ पर आपका माइनस क्यू है। अगर हम नेट में निकालेंगे चार्ज, देखो नेट चार्ज आएगा टू क्यू माइनस क्यू, तो रिजल्ट क्यों आ रहा है, तो इसके साथ फ्लक्स लिंकड है। जो ये प्लस चार्ज है ये फ्लक्स को कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, जो ये प्लस चार्ज है ये फ्लक्स को कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, फ्लक्स को वही चार्ज कंट्रीब्यूट करता है जो इसके अंदर होगा। जैसे यहाँ पर है प्लस टू क्यू और माइनस क्यू, और नेट में कितना चार्ज होगा हमें इन दो को ऐड करना है, प्लस टू क्यू माइनस क्यू नेट इज चार्ज, तो हमें फ्लक्स का वैल्यू मिलेगा। तो जब भी हम गॉस लॉ अप्लाई करते हैं हमें देखना होता है नेट में कितना चार्ज इनसाइड है नॉट आउटसाइड। देखो यहाँ पर प्लस चार्ज है, एक कन्फ्यूजन यहाँ पर होता है जस्ट फिर, तो हमें लग रहा है ये भी फ्लक्स को कंट्रीब्यूट करता है, जो इसके साथ फ्लक्स लिंकड है उसको भी ये कंट्रीब्यूट करेगा। लेट अस सी, कुछ लाइंस हम इसके से बाहर लाएंगे, जो यहां से कुछ लाइंस जाएंगे, ये प्लस चार्ज है, इसके लाइंस इसके बीच में जा रहे हैं, तो हमें लग रहा है इसका फ्लक्स लिंकड है। यहां पर देखो तीन लाइंस अंदर जा रहे हैं, तीन लाइंस मैंने बाहर निकाली, वन टू एंड थ्री। अगर यहां पर प्लस फ्लक्स है, यहां से माइनस फ्लक्स भी आ रहा है, तो नेट में देयर इज नो फ्लक्स लिंकड। तो जो चार्ज बाहर होता है उसके लाइंस पहले अंदर जाते हैं वहाँ पर, देन देयर इज अ फ्लक्स लिंकड, और वो नेगेटिव फ्लक्स लिंकड है। लेकिन यहाँ पर ये लाइंस बाहर आ रहे हैं, दैट्स अ पॉजिटिव फ्लक्स लिंकड, नेट में देयर इज नो फ्लक्स लिंकड। लाइंस एक मरतबा बाहर जानी चाहिए, क्रॉस एक मरतबा करनी चाहिए। अगर यहाँ पर लाइंस दो मरतबा क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ पर तीन लाइंस अंदर जा रही, तीन बाहर जा रहे हैं, तो नेट में देयर इज नो फ्लक्स लिंकड। तो शॉर्ट में जो चार्ज बाहर होता है वो फ्लक्स को कंट्रीब्यूट नहीं करता है। हाँ देखो कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है, देयर आर डिफरेंट नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स जिसमें हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना पड़ता है, डिफरेंट चार्ज सिस्टम्स होता है। जैसे मैं कोई एक सिस्टम लूँगा, हम एक सिलेंड्रिकल वेसल लेंगे, ये सिलेंड्रिकल वेसल है, इसका ओपन एंड है। अगर मैं चार्ज यहाँ पर रखूँगा, मान लीजिए ये क्यू मैंने यहाँ पर रखा, हमें देखना है इसके अंदर कितना चार्ज, इसके अंदर कितना फ्लक्स जाएगा, इसके अंदर कितना फ्लक्स जाएगा। देखो अगर मैं गॉस लॉ अप्लाई करूँगा, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू, फ्लक्स हमारा फाई बराबर है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स हमारा फाई है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन क्यों होना चाहिए चार्ज इनसाइड, हमारा जो क्यू होना चाहिए ये इनसाइड होना चाहिए, लेकिन ये तो एंड पे है हमने रखा, क्योंकि जो इसका फ्लक्स होगा, जो इसका फील्ड होगा, वो देखो किस तरह से बाहर जाएगा, जो हमारा चार्ज क्यू है, जब हम इसका फील्ड देखेंगे, अगर हम इसके दो हिस्से करेंगे, वी हैव चार्ज क्यू, जो इसका फील्ड होगा कुछ हिस्सा इस लाइन के नीचे जाएगा, कुछ हिस्सा इस लाइन के ऊपर जाएगा। तो हम व्हाट वी डू, अगर मुझे यहाँ पर इस चार्ज का फ्लक्स निकालना है, हमें इस चार्ज का फ्लक्स निकालना है, हम एक काम करेंगे इसके ऊपर एक और ऐसा ही सिलेंडर बनाएंगे लाइक दिस, हम एक और सिलेंडर इसके ऊपर बनाएंगे। तो इसे क्या होगा, जो हमारा चार्ज क्यों है ये एग्जैक्टली बीच में आएगा, जो हमारा चार्ज क्यों है ये एग्जैक्टली बीच में आएगा, ये एक तो ऊपर वाला सिलेंडर, दूसरा है नीचे वाला सिलेंडर। और अब जो इसका फ्लक्स है उसका हाफ पोर्शन ऊपर वाले सिलेंडर में जाएगा और दूसरा हाफ नीचे वाले सिलेंडर में जाएगा। लेकिन हमारा जो प्रॉब्लम था इसमें कितना फ्लक्स जाएगा, तो हम इस तरह इसको ले सकते हैं। अब हमारे पास टोटल दो सिलेंडर्स हैं और चार्ज अब सेंटर पर हैं, तो अगर हम फ्लक्स देखेंगे कितना जाएगा, फ्लक्स इज इक्वल टू जो टोटल फ्लक्स बाहर आएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इस टोटल फ्लक्स को हमें दो हिस्से करना है, क्योंकि आधा हिस्सा जो ऊपर वाला सिलेंडर उसमें जा रहा है, आधा हिस्सा नीचे सिलेंडर में जा रहा है। तो जो फ्लक्स अब इसमें जाएगा इस सिलेंडर में वो इसका हाफ होगा, तो फ्लक्स हम लिखेंगे वन बाई टू ऑफ टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स आपका है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, इसका हाफ इसमें चला जाएगा। तो देर आर मेनी प्रॉब्लम्स, जैसे प्रॉब्लम थी हमने एक सिलेंडर रखा, उसके ओपन एंड पे एक चार्ज क्यू था, हमें देखना इसमें कितना फ्लक्स जाया। हमने क्या किया, हमने एक और सिलेंडर इसके ऊपर रखा, तो
तो ये हमने इस तरह रखा ताकि जो ये चार्ज क्यों है ये सेंटर पे आएगा, सेंटर ऑफ द टू सिलेंडर्स, जो टोटल फ्लक्स बाहर आएगा दो सिलेंडर्स में वो जाएगा, तो दैट इज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें जाएगा हाफ ऑफ टोटल फ्लक्स, हाफ है 1/2 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। देखो देयर आर सम प्रॉब्लम्स, इवन एनसीईआरटी बुक जो आपकी है उसमें भी इस किस्म के प्रॉब्लम है। जैसे एक क्वेश्चन मैं इस तरह पुट करूंगा, मेरे पास एक क्यूब है लाइक दिस, ये क्यूबिकल सरफेस मैंने लिया। क्यूब्स में छह फेसेस होते हैं, एक दो ऊपर और नीचे, दूसरा राइट में है और लेफ्ट में है, तीसरा सामने से और उस साइड में है। एक चौरस क्यों हम लेंगे बीच में, चौरस हमने बीच में रखा। अगर हमें देखना इसका फ्लक्स कितना जाएगा इस क्यूब के बीच में, हाउ मच इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल पास थ्रू दिस क्यूब, तो हम सीधा इसमें अप्लाई कर सकें गॉस लॉ, क्योंकि ये चौरस बीच में है। अगर मुझे देखना है इसमें कितना फ्लक्स जाएगा तो मैं सीधा लिखूंगा फ्लक्स होता है फाई ई, फाई ई बराबर है चार्ज इनसाइड इस क्यूब डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। सीधा अगर किसी प्रॉब्लम में क्यू दिया होगा एप्सिलॉन का, एप्सिलॉन नॉट जो है इसका वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमें फ्लक्स का वैल्यू मिलेगा। तो अगर हम चार्ज क्यू रखेंगे इस क्यूब के अंदर एट इट सेंटर, चाहे क्यूब का कोई एज होगा किसी भी लेंथ का, तो अगर इसमें हमें फ्लक्स निकालना है तो फ्लक्स का इतना वैल्यू होगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, जो इस प्लस क्यू से जो फी लाइंस बाहर आएंगे वो इन फेसेस के बीच में जाएंगे छह फेसेस में, तो टोटल फ्लक्स जो बाहर आएगा इट इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। कभी इस तरह प्रॉब्लम होती है एक फेस में कितना फ्लक्स जाएगा, एक फेस में कितना फील्ड लाइंस जाएंगे। अब हमारे पास क्यूब में है छह फेसेस, अगर हमें एक फेस में दिखाना है तो इसका सिक्स्थ पार्ट जाएगा, टोटल क्यूब में छह फेसेस हैं तो एक जो फेस है उसमें इसका सिक्स्थ पार्ट जाएगा। अगर मैं फाइव ई डैश निकालूंगा एक फेस में, फाइव ई डैश वो आएगा 1/6 ऑफ टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स आपका है क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अगर आपको निकालना है एक फेस में कितना फ्लक्स जाएगा तो हमें टोटल देखना पहले कितना है, टोटल हमारा है क्यूब है एप्सिलॉन नॉट, तो ये पॉस होगा छह फेसेस में, तो एक फेस में इसका सिक्स्थ पार्ट जाएगा, तो एक फेस में आएगा फाइव डैश इज 1/6 क्यूब है एप्सिलॉन नॉट। हाँ देखो कभी इस तरह कोई प्रॉब्लम होती है, जस्ट लुक हियर, हम चार्ज एज पे रखते हैं ना, यहाँ पर एक कोना है, इस कोने पे रखते हैं हमारा चार्ज क्यू है, यह हम इस एज पे रखेंगे, तो हमें देखना होता है इस क्यूब में कितना फ्लक्स जाएगा। हमने चार्ज क्यू को रखा क्यूब के कॉर्नर पे, अब इस क्यूब में कितना फ्लक्स जाएगा। देखो व्हाट वी डू नाउ, इस केस में हम इस तरह से, यह है सामने वाला जो कोना है, हम व्हाट वी डू, हम इसको साइड में एक और क्यूब रखेंगे, एक और क्यूब रखेंगे साइड में, इसके बैक में दो क्यूब्स रखेंगे, नहीं सामने रखेंगे दो क्यूब्स। ए अगर हमारे पास ये क्यूब है, फॉर एग्जांपल ये क्यूब है, चार्ज हमने यहां पर रखा, ये चार्ज हमने यहां पर रखा, इसको साइड में मैं एक और क्यूब बनाऊंगा, हो गई दो क्यूब्स। बैक साइड सामने से मैं दो क्यूब्स रखूंगा, सामने से दो क्यूब्स ऐसे रखूंगा, एक चार्ज हमारा कोने पे है, हमें देखना है इसमें कितना फ्लक्स जाएगा। चार्ज हमारा कोने पे है तो हम ये नहीं कह सकते हैं फ्लक्स जाएगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ये तब होल्ड करता है जब चार्ज बीच में होगा। अगर चार्ज हमारा यहाँ पर है तो हम एक और क्यूब यहाँ पर बनाएंगे, हो गए दो क्यूब्स, सामने दो क्यूब्स रखेंगे, हो गए चार क्यूब्स, चार क्यूब्स अब हॉरिजॉन्टली हमने रखा, अब ऊपर और चार क्यूब्स रखेंगे, टोटल आएंगे एट क्यूब्स, और जो हमारा चार्ज है वो बीच में आएगा, बीच में आएगा, वो आठ क्यूब्स के बीच में आएगा। एक यहां से मैंने दूसरा क्यूब रखा, सामने से रखे दो क्यूब्स, हो गए ना चार क्यूब्स, ऊपर मैंने चार क्यूब्स रखे, टोटल आएंगे एट क्यूब्स, चार्ज हमारा एट क्यूब्स के बीच में आएगा, जो टोटल फ्लक्स बाहर जाएगा क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द टोटल फ्लक्स। अब इसको मुझे आठ हिस्से करना है, जब चार्ज हमने एक, हमारा जो चार्ज है एक कॉर्नर पे था, एक क्यूब मैंने इसको साइड में रखा, सामने से दो रखे तो ऊपर मैंने चार क्यूब्स रखे, जो टोटल फ्लक्स बाहर आए क्यूब है एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो टोटल फ्लक्स है आठ क्यूब्स में जाएगा, ये हमारा टोटल फ्लक्स आठ में जाएगा,
तो टोटल फ्लक्स हमारा क्यूब है एप्सिलॉन नॉट, इट इज इन एट फ्लक्स। अगर हमें एक क्यूब में देखना है तो उसका वैल्यू इस तरह आएगा, इसका आठवां हिस्सा एक क्यूब में जाएगा, तो इसका आठवां हिस्सा 1/8 ऑफ क्यूब है एप्सिलॉन नॉट। चूंकि हमारा एक क्यूब है, इसमें जो टोटल फ्लक्स जाएगा 1/8 क्यूब है एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा आज का जो टॉपिक था जिसमें हमने गॉसेस लॉ को जनरल में डिस्कस किया है, तो इंशाल्लाह जब अगला क्लास हम देखेंगे उसमें हम इसकी प्रूफ वगैरह देखेंगे फॉर स्फेरिकल सरफेस या फॉर इरेगुलर सरफेस। तो ये हमारा आज का ब्रीफ आइडिया, हमने गॉसेस लॉ के मुतालिक कुछ कॉन्सेप्ट सीखे। तो टिल देन हैव अ नाइस टाइम।